तो भाई पिछले पार्ट के एंड सीन में हमने देखा था कि जूलियट और जैक एक दूसरे के बहुत करीब आते हैं और इंटीमेट भी हो जाते हैं। तो चलो यार अब देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से जाके कर दो, मैं डेली एक वीडियो लेकर आता हूँ सिर्फ आपके लिए। तो चलो यार शुरू करते हैं बिना किसी फालतू बकचोदी के। अब जब जैक और जूलियट धक्का पेल करने में बिजी थे तो मैक्स इन दोनों को अपने सीक्रेट रूम में से देख रहा था। तो भाई मैं मैक्स के लिए सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा कि भाई तेरे साथ सच में बहुत बुरा हुआ, जिस आइटम को तूने दिल से चाहा उसे किसी और ने ही रगड़ दिया। इस सब के बाद जब जैक चला जाता है तो मैक्स रूम से निकल के जूलियट की वाइन में एक ड्रग डाल देता है जिसको पीने के बाद जूलियट सो जाती है और मैक्स आके अपने पप्पन पिल्लो को उसकी चुलबुली में डालता है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ पे हमें पता पड़ता है कि भाई मैक्स ने जूलियट की दारू में एक दवाई डाली है बेहोश होने की। अब अगले दिन जब जूलियट उठती है तो उसका सिर बहुत ही ज्यादा दुख रहा था। वो जब अपने ऑफिस में जाते हैं अपने हॉस्पिटल में तो उसे पता पड़ता है कि भाई वो तीन चार दिनों से बहुत ज्यादा लेट आ रही है, जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब चीज थी क्योंकि वो समय की बहुत पाबंद लड़की थी और समय पे ही हॉस्पिटल जाती थी। अब उसके साथ क्या क्या होता है ये सब देखने के लिए वो अपने रूम में एक कैमरा इंस्टॉल करवाती है, साथ ही साथ वो कॉरिडोर में भी कैमरा इंस्टॉल करवा देती है क्योंकि उसे शक था कि उसके साथ कुछ तो हो रहा है जो वो देख नहीं पा रही है। अब एक दिन हम जैक और जूलियट को देखते हैं एक कैफे में। अब उन दोनों को एक साथ बैठे हुए मैक्स देख लेता है और भाई का खून फिर से उबाल पे आ रहा था। अब हम देखते हैं जैक जब जूलियट के घर आता है तो मैक्स उसे सीढ़ी से धक्का देके उसे मार देता है। अब इस चीज का पता लगाने के लिए कि जैक के साथ ये सब किसने किया तो वो अपने कैमरा को देख, पर कैमरा में भी सब चीज नॉर्मल आ रही होती है। अब हम देखते हैं कि जूलियट इस सबसे फ्री होके वही वाइन पी रही होती है जो मैक्स ने उसे दवाई डाल के दी थी। अब जब वाइन पी के जूलियट बेहोश हो जाती है तो उसके रूम में मैक्स आता है और उसके साथ घपाघप करने की कोशिश कर रहा होता है, जिसके बाद जूलियट की आंखें खुल जाती हैं और वो वहां पे जूलियट को एक इंजेक्शन दे देता है जो कि एक ड्रग्स का इंजेक्शन था, जिसे लेने के बाद जूलियट बेहोश हो जाती है। अब अगले दिन जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखती है कि भाई उसके तो सारे कपड़े उतरे पड़े हैं और उसके साथ वो सब भी हुआ है। अब इसके बाद उसे वहां पे एक सिरंज भी मिलती है जिसके बाद उसे शक होने लगता है मैक्स के ऊपर, क्योंकि उसने रात को मैक्स को तो देखा था पर उसे ठीक से याद नहीं था कि वो मैक्स ही था या कोई और था, पर उसे इतना पता था कि किसी ने उसे ड्रग्स दिया। तो अपना यूरिन और ब्लड लेके टेस्ट करवाती है। तभी यहाँ पे जैक का मैसेज आता है कि वो जूलियट से मिलना चाहता है 7 बजे। दूसरी तरफ हम मैक्स को देखते हैं जो कि जूलियट के कपड़ों के साथ अपनी हवस मिटा रहा होता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जैक आ जाता है और मैक्स अपने सीक्रेट रूम में छिप जाता है। जैक कुछ खाने का सामान भी लेके आता है, तभी उसे पता पड़ता है कि यहाँ पे तो एक सीक्रेट रूम है। वो जैसे उसे देखता है तो उसके पीछे मैक्स खड़ा होता है। अब इसके बाद सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो टेस्ट की रिपोर्ट थी वो आ चुकी है और जूलियट को पता पड़ता है कि मैक्स ने उसे ड्रग्स दे रखी है और उसकी बॉडी में बहुत ही ज्यादा ओवर लेवल में ड्रग्स पाई गई है। अब मैक्स की सच्चाई जानने के बाद जूलियट यहाँ पे जैक को कॉल करती है और कहती है कि मेरे घर पे मत आना, तुम्हें वहाँ पे खतरा है। हम देखते हैं कि जूलियट घर पे पहुँचती है तो उसे दिखता है कि जैक ने अपना सामान तो भाई टेबल पे ही रख रखा है, पर जैक कहाँ पे गया। जूलियट यहाँ पे जैक को ढूंढती है पर उसे जैक नहीं मिलता। तभी जूलियट यहाँ पे आके अपने सीसीटीवी को देखती है जहाँ पे उसे पता पड़ता है कि भाई वो ड्रग्स देने वाला मैक्स ही है, क्योंकि उसे मैक्स सीसीटीवी में आता हुआ दिख जाता है और उसे वो भी दिख जाता है कि रात को उसके साथ घपाघप मैक्स ही करता था। अब देखते देखते वहाँ पे मैक्स भी आ जाता है। जूलियट उसके सामने ऐसा दिखाती है कि उसे उसकी सच्चाई के बारे में नहीं पता। ये दोनों एक साथ बैठ के ड्रिंक भी करते हैं, पर लेकिन कहीं ना कहीं जूलियट अपने मन में घबरा भी रही थी क्योंकि वो एक साइको के साथ बैठी हुई थी। अब उसकी सिचुएशन को देख के मैक्स को कुछ थोड़ा शक होने लगता है कि जूलियट को पता चल गया है कि उसने ही उसके साथ ये सब किया है। अब जूलियट अपने फोन से जैक को कॉल करने लगती है, पर तभी वहाँ पे मैक्स आ जाता है, उसके फोन को छीन लेता है क्योंकि उसे पता पड़ चुका था कि जूलियट को पता चल गया कि उसने उसके साथ ये सब किया है। मैक्स अपनी जेब से वही ड्रग्स वाला इंजेक्शन निकालता है जूलियट को लगाने के लिए, पर जूलियट को पता चल जाता है कि उसे मारने वाला है, पर तभी जूलियट वहाँ से उसके ऊपर हमला करके वहाँ से निकलने लगती है। इन दोनों के ऊपर हाथापाई होती है बहुत ही तगड़ी और मैक्स जाके छिप जाता है, पर जूलियट को दोस्तों यहाँ पे इंजेक्शन लग चुका था ड्रग्स वाला, तो उस ड्रग्स के इंजेक्शन को खत्म करने के लिए जूलियट बाथरूम में जाते हैं और वहाँ पे कुछ उसकी दवाइयाँ रखी होती हैं और वो उन्हें खा लेती है जिससे कि जो ड्रग्स का असर है वो जूलियट पे ना हो सके। जूलियट बाथरूम में बैठी होती है पर तभी वहाँ पे एकदम से मैक्स आ जाता है शीशे को तोड़ के और उसे पकड़ लेता है। जूलियट उसके ऊपर फिर से हमला करते हैं, उसे मार के भाग जाती है। जूलियट उसी के सीक्रेट रूम में जाके छिप जाती है और एक नेल गन को पकड़ लेती है उस पर हमला करने के लिए, पर तभी दोस्तों यहाँ पे मैक्स आता है, उसको एक पंच मार के उसे गिरा देता है। तो भाई हमारी दीदी जूलियट एक सख्त लौंडिया थी तो वो नेल गन को उठा के मैक्स के ऊपर 3 से 4 बार नुकीली कील उसकी छाती में डाल देती है, पर तभी भी भाई मैक्स भी यहाँ पे नहीं मरता, वो सिर्फ घायल होता है। तो वो फिर से उठता है और जूलियट को मारने लगता है। जूलियट का पैर फिस जाता है और वो एक पन्नी पे जाके गिरती है और देखती है कि भाई जैक की लाश वहाँ पे लटकी पड़ी है।
जिसे देखकर वो घबरा जाती है। पर तभी वहाँ पे मैक्स आ जाता है उसे फिर से मारने के लिए। पर जूलियट यहाँ पे छिपे हुए थी और छिप के हमला करने वाली थी। पर तभी हम देखते हैं कि मैक्स उसे पकड़ लेता है और उसकी नेल गन को फेंक देता है। पर फेंकने से पहले ही जूलियट फिर से उसके ऊपर 3 से 4 बार हमला कर देती है, जिसके बाद मैक्स घायल हो जाता है। पर वो अभी मरा नहीं था, तो मैक्स फिर से उठता है तो जूलियट एक आखिरी कील उसके सिर में गाड़ देती है और लास्ट में मैक्स मर जाता है। और यही दिखाते हुए हमारी मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो अगर आपको ये पूरी मूवी देखनी है तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको बता दूंगा कि आपको ये कहां से मिलेगी। तो मेरे मित्रों, वीडियो के नीचे एक लाल रंग का बटन है, मुझे नहीं पता तुम उसे कैसे दबाओगे। अपनी नाक से दबाओ, हाथ से दबाओ, पाम से दबाओ या अपनी से दबाओ, मुझे नहीं पता, वो बटन दब जाना चाहिए और बेल आइकन भी साथ में दब जाना चाहिए। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना। कल फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।